ड्रामे की शुरुआत होती है एक हसीन नौजवान से जो इस शहर का सबसे नंबर वन बिजनेसमैन था, और यही हमारे इस ड्रामे का मेन लीड भी है जिसका नाम जांग है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आता है। मैनेजर उससे बोलता है कि जिस लड़की की 4 साल से आप तलाश कर रहे हैं वो लड़की अभी तक हमें नहीं मिली। जांग उससे बोलता है कि कुछ भी करके तुम उस लड़की को जल्दी से ढूंढो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। मैनेजर उस लड़की को जांग के कहने पर ढूंढ तो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस लड़की के पीछे आखिरकार जांग इतना पागल क्यों है, और आखिरकार 4 साल से वो इतने पागल होकर उस लड़की को क्यों ढूंढ रहा है। इसी तरीके से सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 साल पहले की वीडियो दिखाई जाती है, जहाँ पर जांग अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजती है होटल पे, बट इस टाइम जांग को शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसकी मॉम जबरदस्ती उस पे डिसीजन थोप रही थी। और वो उस लड़की से जांग की शादी सिर्फ इसलिए कराना चाहती थी क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, जिससे उनका बिजनेस और दूर तक फैलता और वो और भी ज्यादा अमीर बन सकते थे। लेकिन जांग को किसी का सहारा लेकर अपने बिजनेस को नहीं चलाना था, वो अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल करना चाहता था, बट अपने मॉम के आगे उसकी एक भी नहीं चलती है। उसे अपनी मॉम को हाँ बोलकर उस लड़की के पास जाना ही पड़ता है, बट वहाँ जाने से पहले जैसे ही वो एक ग्लास ड्रिंक करता है तो जोर से उसका सर दर्द होने लग जाता है, क्योंकि उस ड्रिंक में उसकी मॉम ने नशे की दवाइयाँ मिलाई होती है ताकि नशे की हालत में वो उस लड़की के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। उस ड्रिंक को पीने के बाद तो जांग ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और चीजों का सहारा लेकर चल रहा था। तो दूसरी तरफ हमें हमारे इस ड्रामे की फीमेल मेली दिखाई जाती है जिसका नाम सना होता है। वो एक आदमी से बचकर होटल में भाग रही होती है जो उसकी इज्जत लूटना चाह रहा था। उस लड़के से भागते भागते वो जांग के दरवाजे के सामने आ जाती है, और जैसे ही जांग दरवाजा खोलता है तभी उसके सामने एक लड़की होती है। सना के ड्रिंक में भी उस लड़के ने कुछ मिलाया होता है, इसलिए सना को भी कुछ होश नहीं होता है। इसी तरीके से बिना एक दूसरे को जानते हुए भी वो एक दूसरे के साथ पूरी नाइट होटल में स्टे करते हैं। उस रात के बाद सना को कुछ भी नहीं पता था कि कौन इंसान था जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी, लेकिन 4 साल हो गए थे और उसका अब एक बेटा भी था। सना उस लड़के को ढूंढने से बेहतर ये समझती है कि इस टाइम पर उसे अपने बेटे की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए वो पुरानी यादों को छोड़कर एक नई सिटी में शिफ्ट हो जाती है। बट अभी भी उसके जो प्यारे बेटे के दिल में अपने डैड को जानने की क्यूरियोसिटी थी वो खत्म नहीं होती है। वो अपनी मॉम से लगातार बस अपनी डैड के बारे में पूछता रहता है, लेकिन सना उसकी बातों का कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाती है क्योंकि उसे तो खुद नहीं पता था कि उसका पति कौन है। अपनी मॉम की बातों को सुनकर उसका छोटा सा बेटा काय गुस्सा होकर बिस्तर पर बैठ जाता है और उसके बाद अपनी मॉम से कहने लग जाता है कि सब बच्चों के डैड होते, मेरे डैड कहाँ है। तभी उसे टीवी पर शहर का नंबर वन बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो बहुत ही हैंडसम होता है और अमीर भी होता है। उसे देखकर काय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी मॉम से कहने लग जाता है कि काश मेरे डैड ये होते। ये सब कुछ सुनने के बाद सना बोलती है कि तुम्हारे डैड ये कैसे हो सकते हैं, ये तो कितने अमीर हैं। बट तभी काय अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम हम दोनों की शक्ल देखो, देखो कितनी मैच होती है एक दूसरे से। तो सना को ये सब देखकर दुख भी होता है, लेकिन अपने बेटे को दिलासा देते हुए उस पर बोलती है कि प्लीज तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो तुम्हें बिना डैड के भी पाल सकती है। बट उसके बाद सना को उस इंसान पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी, और वो उससे बोलने लग जाती है कि पता नहीं कौन था वो बेवकूफ, मेरी लाइफ को हेल बनाकर चला गया। उस इंसान को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं निभानी है, बेवकूफ इंसान। इतने में ही सना अपने बच्चे से बोलती है कि मुझे आज जॉब पर जाना है, इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। अपनी नौकरी के पहले ही दिन उसकी एक लड़की से टक्कर हो जाती है, और वो जो लड़की होती है वो लड़की सना को पहले से ही जानती थी। दरअसल सना की प्रेगनेंसी के बाद उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जो उसे अपनाना चाह रहा था, बट उसी दौरान उसकी एक गर्लफ्रेंड बन जाती है जिसके बाद से वो सना से बात करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही टॉक्सिक होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को सना के खिलाफ भड़काती रहती है। इतने लंबे समय बाद जब वो सना को देखती है तो वो उससे बोलती है कि 4 सालों से आखिरकार तुम कहाँ गायब हो रखी थी, खैर काम ही तुमने मुँह छुपाने वाले की है, तो इसी तरीके से दर बदर ठोकरे तो तुम खाती ही रहोगी, क्यों अब तक नहीं मिला तुम्हें तुम्हारा पति। इसी तरीके से सभी के सामने वो हंसने लग जाती है। उस पर जैसे ही सना अपने दोस्त से बात करना चाहती ही थी तभी वो लड़की उसे रोक देती है और कहने लग जाती है कि मेरे हस्बैंड से तुम्हें बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड को तुम पर अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और हाँ तुम्हारे जाने के बाद ही हमने शादी भी कर ली थी और अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, और तुमने ये गरीबों वाली ड्रेस की पहन रखी है, तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तुम अपने ठीक ठाक कपड़े ले सको, अरे तुम्हारा तो हस्बैंड ही कहाँ है जब वो तुम्हें एक्सपेंसिव कपड़े दिला सके, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड काम क्या करता है, कहीं उसका चोरी का बिजनेस तो नहीं था।
तभी वहाँ पर सना का बॉस आता है और वो उसे बताता है कि उसे जल्दी से काम पर जाना चाहिए। एक्चुअल में जो जॉब सना को मिली थी वहाँ पर उसे अमीर अमीर लोगों को अपने हाथों से ड्रिंक पिलाना था और उनको सिड्यूस करना था। बट सना को अपनी बॉस की नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है क्योंकि वो उसे बार बार गलत तरीके से टच कर रहा होता है। लेकिन सना को इस टाइम पर पैसों की जरूरत थी। वो जैसे ही अपना काम करने के लिए जा रही होती है तभी वो लड़की उसे धक्का मार देती है, जिसकी वजह से जो सना के हाथ में ड्रिंक होता है वो एक बहुत ही अमीर लड़की के कपड़ों पे गिर जाता है। इस सब कुछ देखकर उसके दोस्त को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उधर ही उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। इससे पहले कि वो देखती कि उसका हस्बैंड सना की हेल्प कर रहा है, वो उसका हाथ खींचकर वहाँ पे से लेकर चली जाती है सना को अकेले छोड़कर। वो अमीर लड़की सना पर काफी ज्यादा चिल्लाती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी, तुम्हें पता है कि जितने की ये ड्रेस है ना उतने में तुम खुद भी बिक जाओगी, तो तुम्हें तो इसकी कीमत का अंदाजा क्या ही होगा, तुमसे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। सना उससे बोलती है कि आई एम सो सॉरी बट इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे धक्का दिया गया था। वो अमीर लड़की सना से बोलती है कि मैं तुम जैसे चीप लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, मेरी ड्रेस को देखकर जेलसी फील हो रही थी ना तुम्हें, इसलिए तो तुमने मुझे धक्का दिया। इसी तरीके से वो भी सना को धक्का देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे धक्का देती है तभी वहाँ पर जांग आता है और वो सना को बचा लेता है। इसी तरीके से सीधे 4 साल बाद इन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है। फिर भी ये दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि उस रात ये दोनों होश में ही कहाँ थे। वो अमीर लड़की जांग को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके बाद जांग से कहने लग जाती है कि देखो इस लड़की ने मेरी कितनी महंगी ड्रेस खराब कर दी और ये मुझसे जुबान लड़ा रही थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने इसे धक्का दे दिया। सना सोचती है कि इन अमीर लोगों के सामने बोलने का तो कोई फायदा है नहीं क्योंकि वो डेफिनेटली उस अमीर लड़की का ही साथ देगा। बट तभी जांग उनसे बोलता है कि चाहे इसने कुछ भी किया था तो मेरे से इस तरीके से धक्का नहीं देना चाहिए था। जांग की बातों को सुनकर उस अमीर लड़की को गुस्सा आता है और गुस्से में वो वहाँ पर से चली जाती है बिकॉज जांग सना के साइड जुड़े रहा था। इसी तरीके से वो सभी तो वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सना का बॉस आता है और उस पर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लग जाता है कि पहले ही दिन काम के लेट हो गई तुम और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस जॉब पर रखूं, इस जॉब के लिए मैं तुम्हें कितने सारे पैसे दे रहा हूं, बट ठीक से तुमसे एक काम भी नहीं हुआ जाता है क्या? मैं चाहूं ना तो तुम्हें अभी इसी वक्त इस जॉब से निकाल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें एक ऑप्शन देना चाहता हूं। तुमने उन लड़कों के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी ना तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा और उसके बाद तुमसे शादी भी कर लूंगा अपनी बीवी को डिवोर्स देकर। जैसे ही सना ये सब कुछ सुनती है ना तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि तुम मेरी डैड की उम्र के हो और तुम्हें शर्म नहीं आती है मुझसे ऐसी बातें करते हुए, तुम्हारे जैसे इंसान की तो मैं शक्ल भी ना देखूं। ये सब कुछ देखकर उस ओल्ड मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लग जाता है कि बहुत ही घमंडी लड़की हो ना तुम, तुम्हें तो मैं तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगा। इसी तरीके से वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो सना को धक्के मारकर यहाँ पर से बाहर फेंक दे, लेकिन सना बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी ये जॉब नहीं करनी है, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। तो दूसरी तरफ जांग अपनी कार में बैठकर बस अभी भी यही सोच रहा होता है कि जिस लड़की से वो थोड़ी देर पहले मिला था पता नहीं उसकी शक्ल इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है उसे और उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसे जानता है। तभी उसका मैनेजर कार में बैठता है और उसको बताता है कि उसकी मॉम उसके लिए एक फीमेल असिस्टेंट ढूंढ रही है। जांग उससे बोलता है कि पता नहीं मॉम को ये सब करने में क्या मजा आता है, मुझे क्यों असिस्टेंट की किसी जरूरत होगी और वो भी फीमेल, मना कर दो उन्हें। तो दूसरी तरफ अपनी जॉब को छोड़ने के बाद जब सना रास्ते पे जा रही होती है तो बोल रही होती है कि वहाँ पर गुस्से से मैं अपनी जॉब को छोड़कर तो आ गई बट अब मैं नई जॉब पे कैसे लगूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अपने बेटे के स्कूल की ट्यूशन की फीस भी भरनी है लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है जो कि जांग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उसकी मॉम ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली है कि वो अपने बेटे के लिए एक फीमेल असिस्टेंट ढूंढ रहे और जिसकी काफी अच्छी खासी तनख्वाह भी होगी। ये सब कुछ सुनकर वो लड़कियां बहुत ज्यादा खुश रहती है क्योंकि उनको तो जांग से मिलने की उम्मीद लग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सना इसलिए खुश होती है क्योंकि उसे काफी अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे इस जॉब के लिए, जिससे वो अपने बेटे की फीस भर सकती थी और सारे जरूरत के सामान लेकर आ सकती थी उसके लिए, इसलिए उसे किसी भी हालत में इस जॉब चाहिए थी। इसी तरीके से वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके ऑफिस पे जाती है जहाँ पर वो एक आदमी को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाती है तो वो आदमी उससे बोलता है कि काफी पढ़ी लिखी हो तुम तो अब तक जॉब क्यों नहीं कर रही हो, खैर ये सब छोड़ो मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशन सही लग रही है बट एक बार तुम्हें बस बॉस अप्रूव कर ले उसके बाद तुम्हारी ये जॉब पक्की हो जाएगी। उनकी इन बातों को सुनने के बाद सना बहुत ज्यादा खुश रहती है और उसके बाद उन्हें थैंक यू बोलकर फटाफट से वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी ही देर में मैनेजर जांग के पास जाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि फाइनली उसके लिए एक फीमेल असिस्टेंट हायर कर ली गई है
और वो लड़की जल्द ही यहाँ पर आने वाली होगी, बट वो तब तक इस जॉब पर नहीं आएगी जब तक आप उसे अप्रूव नहीं करेंगी। जांग उससे बोलता है कि मेरे अप्रूव या डिसअप्रूव करने से होगा क्या, लेकिन तभी वहाँ पर सना की एंट्री होती है। सना को देखने के बाद जांग तो हैरान होता ही है, लेकिन सना उसे देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। बिकॉज कोइंसिडेंटली किस्मत बस उसे जांग के ही साथ जोड़ रही थी। वो जहाँ कहीं भी जा रही थी बस उसकी मुलाकात जांग से ही होती जा रही थी। बट जांग उसे देखते ही अपने फीमेल असिस्टेंट के लिए मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम तो उस होटल में अमीर लड़कों को ड्रिंक सर्व करती हो ना, ऐसी लड़की को मैं अपना असिस्टेंट कैसे बना सकता हूँ। नहीं, तुम मेरी असिस्टेंट नहीं बन सकती हो। ये सारी बात को सुनने के बाद सना उनसे बोलती है कि प्लीज मुझे इस टाइम जॉब की जरूरत है, अगर ये जॉब नहीं तो आप मुझे कोई और जॉब दे सकते हैं, कोई भी छोटी मोटी। सना की बातों को सुनकर जांग उससे बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें जॉब ही चाहिए तो तुम हमारे घर पे सर्वेंट की जॉब कर सकती हो, वो तुम्हारे लिए सही है। जांग को लगा था कि इस जॉब को करने के लिए वो मना कर देगी, लेकिन पैसों की वजह से वो इस जॉब को करने के लिए भी हाँ बोल देती है। और इस बात को सुनने के बाद जांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी तरीके से यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।